सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस हमारे पास, तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो। यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वो गाड़ी चलाने में अच्छा है। He is good at driving a car. He is good at driving a car. वो गाना गाने में अच्छी है। She is good at singing a song. She is good at singing a song. वो खेलने में अच्छा है। He is good at playing. He is good at playing. वो इंग्लिश बोलने में बुरा है। He is bad at speaking English. He is bad at speaking English. वो क्रिकेट खेलने में बुरा है। He is bad at playing cricket. He is bad at playing cricket. वो मैथ में बुरा है। He is bad at math. He is bad at math. वो लिखने में बुरा है। He is bad at writing. He is bad at writing. तुम किस चीज में अच्छे हो? What are you good at? What are you good at? क्या तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो? Are you good at speaking English? Are you good at speaking English? क्या वो साइकिल चलाने में बुरा है? Is he bad at riding a bicycle? Is he bad at riding a bicycle? क्या वो मैथ में अच्छा है? Is he good at math? Is he good at math? वो खाना पकाने में अच्छी नहीं है। She is not good at cooking. She is not good at cooking. वो किसी चीज में अच्छा नहीं है। He is not good at anything. He is not good at anything. वो बोलने में बुरा नहीं है। He is not bad at speaking. He is not bad at speaking. वो हर चीज में बुरा नहीं है। He is not bad at everything. He is not bad at everything. वो लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। He is not good at talking to people. He is not good at talking to people. वो पढ़ने में बुरा है। He is bad at reading. He is bad at reading. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। और अगर आप इसी तरह और वीडियो चाहते हैं
तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब हो जाइए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इंग्लिश सीख सकें।